हम तो यदुओं के पुरोहित हैं, आपके पुरोहित तो है नहीं, आपके कोई पुरोहित दूसरे होंगे, तो आप उनको बुलाइए सादर और उनसे अपना ये कर्मकांड पूरा कर दीजिए। बोलिए महाराज, जन्मना ब्राह्मणों गुरु, ब्राह्मण जो है जन्म से गुरु होता है, तो आप चाहे हमारे पहले से पुरोहित रहे हों या न रहे हो, आप जैसा ज्योतिष का विद्वान हमको कहाँ मिलेगा, इसलिए आप इनका संस्कार स्वयं कर दीजिए। गारे जी तो जानते ही थे और इसीलिए आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो नंद, इसमें एक आपत्ति है, हम यदुओं के पुरोहित हैं और अगर हम तुम्हारे पुत्र का नामकरण संस्कार करेंगे तो आकाशवाणी ने जो कहा है, आकाशवाणी से जो उस देवी ने कहा है कि तेरा मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, और पहले जो आकाशवाणी ने कहा था कि आज आपका आठवां गर्भ तेरा मारने वाला होगा, तो जब लगातार 6 बालक पुत्र हुए तो आठवां स्त्री कैसे हो सकता है, उसको शंका है। हो ना हो, हमारे साथ छल किया है भक्तों ने, नस्ती भवितुमर्हति, ये आठवां गर्भ जो है वो स्त्री नहीं हो सकता, तो आपकी और बसदेव जी की मित्रता है, इस बात को वो जानता है, और कहीं हमने आपके बेटों का संस्कार कर दिया तो बस कंस को तो पता लग ही जाएगा, उसके गुप्तचर रहते ही नहीं आता, तो उसके मन में यदि संदेह हो गया कि ये देवकी का आठवां पुत्र है तो ये उसको मार डालेगा, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नंद जी, हम नहीं चाहते कि हम आपके बेटे का नामकरण संस्कार करके उस बेटे का कोई अनर्थ हो जाए, ऐसी संभावना उत्पन्न कर दें। तो नंद जी बोले कि ऐसा है महाराज, ये काम एकांत में कर दीजिए और हम घर में करेंगे ही नहीं, जहाँ गाय बनती है गोश्त में वहाँ चलिए, और एकांत में द्विजाति संस्कार कर दीजिए। द्विजाति संस्कार का मतलब ये है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये द्विजाति कहलाते हैं। संस्कारा यत्रा विच्छिन्ना तद्विजुजु जगादयम्, जिनके कुल में अविच्छिन्न संस्कार होते हैं वो द्विज कहलाते हैं। तो द्विज की शुद्धि संस्कार से होती है, तो ये नामकरण एक बहुत बड़ा संस्कार है, और नाम मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है, जैसा जिसका नाम होता है वो वैसा ही कर्म भी करता है, इसलिए और फिर उस नाम को देने वाला यदि कोई विद्वान है तो कालदर्शी है तो उसी से नामकरण कराना चाहिए। तो आप कर दीजिए महाराज, गोष्ठ में हम अपने कुटुंब के लोगों को भी नहीं बुलाएंगे, बस माँ रहेंगी, हम रहेंगे, बालक रहेंगे और आप रहेंगे। तो भाई उसके लिए कर्म कांड करना पड़ता है, बहुत से उपचार होते हैं। बोले महाराज, ऐसा है कि आप केवल स्वस्ति वाचन करो, अधिक कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है, स्वस्थ वाचन पूर्वक आप कर दो,
कहा ठीक है, ये तो करने ही आए थे, सचिकीर्षित में होता अपना उनका चिकित्सित था, करने के लिए ही बसदेव जी ने भेजा था। तो उन्होंने नुनज करके नंद जी को पक्का कर दिया, क्योंकि इनका उद्देश्य ये भी था कि नंद को भी संदेह न हो कि ये बसदेव का बेटा है, नहीं तो इसके पालन पोषण में ये गड़बड़ करेगा। अपना पन जब रहता है तो मनुष्य उसका ध्यान रखता है, और जब ये समझता है कि ये तो पराया बेटा है तो उतनी ममता नहीं रखता, इसलिए इसको भी बताने लगे। इसलिए पहले ना कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम युद्धों के आचार्य हैं। अस्तु तो गोष्ठ में गए, रोहिणी यशोदा नंद जी और गर्ग जी, बस इतने लोग। तो रोहिणी और यशोदा ने सोचा कि ये पंडित कुछ जानकार है कि ऐसी तिलक लगा के आ गया है। तो लोगों के मन में कुछ ऐसा भी रहता, परीक्षा देते हैं। तो यशोदा जी ने बलदेव जी को अपनी गोद में ले लिया और रोहिणी जी ने श्री कृष्ण भगवान को अपनी गोद में ले लिया, बैठ गई। अब गर्ग जी ने पहले स्वस्ति वाचन किया, देखा तो लक्षण से जो अच्छे ज्योतिषी होते हैं वो चेहरा देख के कुंडली बना लेते हैं, जैसे ही देखते हैं वैसे ही वो बना लेते कि ये जो आकृति है ये कौन सी हो सकती है, क्या हो सकता है। तो उन्होंने यशोदा जी का बरफर यह है कि पहले बड़े भाई का संस्कार होना चाहिए, बड़े भाई का हो तब छोटे भाई का, नहीं तो परिवेक्ता हो जाता है, छोटे भाई का पहले हो जाए बड़े भाई का पीछे हो जाए, ये नहीं हो सकता। इसलिए आप देखिए भगवान श्री कृष्ण के व्यवहार की चर्चा जब करते हैं सुखदेव जी, तो पहले ही स्मरण दिला देते हैं कि बलदेव जी का विवाह हो गया है रेवती के साथ। नौवें अध्याय में हम इस कथा को सुना चुके हैं कि रेवत नाम के राजा ने अपनी कन्या रेवती का विवाह बलदेव जी से किया। तो बलदेव जी का विवाह होगा तभी न कृष्ण का विवाह होगा कि बड़े भैया बैठे हैं और छोटे भैया की शादी हो गई और एक रही आठ, ये कैसे हो सकता है। तो इसलिए पहले उनका विवाह है। इसी तरह से पहले रोहिणी पुत्र का संस्कार होना चाहिए। तो उन्होंने यशोदा जी की ओर संकेत करके कहा, अयम रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामेति गुणाधिक्यात् बलम बलाधिक्यात् बलम विदुः यदूनाम पृथक भावात् संकर्षण मुसंतुत। उन्होंने कहा कि नंद जी ये रोहिणी का पुत्र है जो यशोदा की गोद में बैठा है, ये अपने गुणों से सुहृदों को रमाए।